नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए श्वेता जैन और आज हम देखेंगे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में आज अपने वीडियो में आपको दूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमको किसी भी पर्सन का रिटर्न फाइल करना होता है तो उससे पहले हम फॉर्म 26A चेक करते हैं ताकि कोई इनकम हमारी रिटर्न फाइल करने में रह ना जाए। तो फॉर्म 26A में क्या होता था कि TDS, TCS है या इनकम टैक्स का रिफंड है, ये सब डिटेल उसमें आ जाती थी। जहां जहां भी आपका TDS होता था वो सारी डिटेल हमको फॉर्म 26A में पता चल जाती थी और उससे हम ले सकते थे, देख सकते थे उसमें कि कोई इनकम हमारी ऐसी तो नहीं है कि जो इनकम थी और हम उसको रिटर्न में लेना भूल गए हैं, तो हम फॉर्म 26A चेक करते थे। तो अब फॉर्म 26A की जगह एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आ गया है। इसमें डिफरेंस क्या है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही कि फॉर्म 26A में कुछ ही ट्रांजेक्शन आते थे, लेकिन एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट तो आपके पूरे साल का फाइनेंशियल जो है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सभी इसमें आ जाएंगे। 50 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनके के बारे में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में पूरी जानकारी रहेगी कि आपने पूरे साल में क्या क्या, जो जितने भी मेजर ट्रांजेक्शन किए, चाहे वो बैंकिंग चैनल से हो या अदर देन बैंकिंग चैनल से हो, आपने शेयर्स खरीदे, शेयर्स बेचे, प्रॉपर्टी खरीदी बेची, आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, कैश डिपॉजिट किया है, सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट है, FD पे कितना इंटरेस्ट है, सारी डिटेल आपको क्या है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन तो आएगी जो 26A में थी, साथ में इसके अलावा भी जितनी भी क्या होता है, जो भी आपके पैन नंबर से लिंक है और जो गवर्नमेंट को आपकी इनकम रिपोर्ट होती है, जो भी ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट गवर्नमेंट को होती है, वो सारे ट्रांजेक्शन जो जो भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट होते हैं तो सारे ट्रांजेक्शन अब आपको एक ही जगह इसमें AIS में दिख जाएंगे और इसके बेसिस पे आपका रिटर्न फाइल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को हमको कहाँ से देखना है, कैसे चेक करना है और इसको रिटर्न में कैसे लेना है, ये सब मैं आज आपको अपने वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में कौन कौन सी जो है ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट होते हैं। तो इसमें हमको सब मिल जाते हैं। तो सैलरी पे यदि TDS होता है तो सैलरी की डिटेल आती है, रेंट रिसीव्ड है, डिविडेंड, टोटल 50 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनकी डिटेल हमारे पास गवर्नमेंट को जाती है और वो डिटेल हमको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखेगी। सैलरी, रेंट रिसीव, डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल्स अंडर सेक्शन 115BB, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस अंडर सेक्शन 115BB, रिसिप्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ PF फ्रॉम एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 111, इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड अंडर सेक्शन 115A, इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी बाय नॉन रेसिडेंट, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ नॉन रेसिडेंट, इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम यूनिट्स बाय इन ऑफशोर फंड, इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, इनकम ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्रॉम सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस कमीशन, रिसिप्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, रिसिप्ट ऑफ कमीशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इनकम ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेस ऑफ यूनिट्स, इंटरेस्ट आर डिविडेंड आर अदर सम पेबल टू गवर्नमेंट, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन आर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, सेल ऑफ लैंड आर बिल्डिंग, रिसिप्ट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ व्हीकल, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजेक्शन, ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बिजनेस रिसीट, बिजनेस एक्सपेंसेस, रेंट का पेमेंट, मिसलिनियस पेमेंट्स, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, कैश पेमेंट, आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस, रिसिप्ट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन ट्रेवल, परचेस ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी, परचेस ऑफ व्हीकल, परचेस ऑफ टाइम डिपॉजिट्स, परचेस ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, क्रेडिट डेबिट कार्ड, बैलेंस इन अकाउंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड। तो टोटल 50 ट्रांजेक्शन थे जिनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को होती है और वो सब हमारे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिख जाएंगे।
AIs इसलिए भी बहुत यूजफुल भी है क्योंकि इससे क्या होगा कि हम जब इसको देखेंगे तो हम से कोई भी इनकम छूटेगी नहीं। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उससे पहले हमको ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक करना बहुत जरूरी हो गया। अच्छा, एक बात ये भी उठती है कि ये जैसे फाइनेंशियल ईयर एक मतलब फाइनेंशियली 2021 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की बात करें तो ये क्या हुआ कि AIS तो लेट आया है, तो हो सकता है कि आपने रिटर्न पहले ही फाइल कर दिया, तो क्या हम अब हम क्या कर सकते हैं? तो वो भी हम देखेंगे कि उसका जो अगर रिटर्न फाइल कर दिया है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के लिए कहाँ जाना होगा। तो हमको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, www.incometax.gov.in। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद हम लॉग इन करेंगे, तो लॉग इन पर क्लिक करना है। लॉग इन पे करने के बाद हमको यहाँ पर हमारा यूजर आईडी जो कि हमारा पैन नंबर या आधार नंबर होगा वो देना है। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड देना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद पासवर्ड देना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका इनकम टैक्स का जो अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर की साइड सर्विसेज में आना है। सर्विसेज के अंदर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS आपको दिखेगा, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑन क्लिक का प्रोसीड बटन, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू AIS होम पेज। तो AIS पे हमको जाना है तो हम यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर हम आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं कि आपके AIS से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, ये AIS दिख रहा है आपको, यहाँ पर हम क्लिक करें। आप चाहें तो ये इंस्ट्रक्शन भी सारे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे AIS पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने दो चीज आपको दिखी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, जैसे अभी हमने 2021 सिलेक्ट किया है। जिस भी फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न आप फाइल करते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपका आएगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी TIS। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम आगे चल के देखेंगे। अभी हम सबसे पहले देखते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। चलिए सबसे ऊपर आपको AIS के अंदर सब पार्ट ए में जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे आपका पैन नंबर, आधार नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस और एड्रेस। उसके बाद हम आते हैं पार्ट बी पे। नीचे की ओर आएंगे तो पार्ट बी दिखेगा। पार्ट बी में आपका आती है, एक तो सबसे पहले आती है TDS TCS इन्फॉर्मेशन। जिस जिस पे भी आपका TDS और TCS हुआ है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आएगी। यदि हमने जो टैक्स का पेमेंट किया, जैसे सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स का पेमेंट किया तो यहाँ पर आएगा। डिमांड एंड रिफंड, आपको इनकम टैक्स की जैसे कोई डिमांड निकली है तो भी आपको पता चल जाएगा। रिफंड अगर आपको मिला है इस जिस साल में आप रिटर्न फाइल, जैसे अभी हम बात क्या कर रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की, इस दौरान यदि कोई रिफंड या डिमांड होगी तो यहाँ पर चेक करेंगे और अदर इन्फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम TDS TCS इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। इसमें जैसे आप देखेंगे कि अगर आपका कहीं पे आपको सैलरी मिलती है या फिर कहीं पे कमीशन मिलता है, जिस जिस जो जो इनकम जिस पर कि TDS या TCS हुआ है तो वो इनकम यहाँ पर आ जाती है। जैसे यहाँ पर सैलरी है तो यहाँ पे सैलरी की इनकम आ गई, आपको कोड भी आ जाएगा, उसके बाद आपको किससे मिली है उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, आपको कितनी अमाउंट आपको मिली है ये भी आपको यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अगर इसको आपको और डिटेल में जानना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो सैलरी के पास आपको एरो दिख रहा है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं तो इसकी पूरी डिटेल, जैसे हम पहले फॉर्म 26S में देखते थे, सेम ऐसे यहाँ पे आपको मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, देखिए क्वार्टर फोर में आपको कब कब जनवरी से मार्च के बीच में कौन सी तारीख पर पेमेंट हुआ है, कितना पेमेंट हुआ है, कितना TDS हुआ है, कितना TDS डिपॉजिट किया, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर एक चीज और मैं बता देती हूँ कि फॉर्म 26S में आप नहीं कर पाते थे कि अगर उसमें कुछ गलती होती तो आप तुरंत उसमें सुधार नहीं कर पाते थे, लेकिन अब यहाँ पर एक आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हुई है कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में कोई इनकम आपकी आ रही है या कोई ट्रांजेक्शन ही आ रहा है, मान लीजिए कि कोई सेल ऑफ व्हीकल और वो व्हीकल आपका है ही नहीं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है फीडबैक देने का। फीडबैक देने का ऑप्शन है, मतलब कि आप उसमें आप दे सकते हैं कि ये इनकम हमको बिलोंग नहीं करती है या आधी इनकम हमारी है, आपकी जो भी है वो आप फीडबैक दे सकते हैं और वो सुधार हो जाता है।
बल्क में भी, अब जैसे सैलरी में आप देखेंगे ये सब अलग 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 टीडीएस है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ टीडीएस तो आपके क्या है सही है, लेकिन इसमें बहुत सारे गलत है, आपसे रिलेटेड है ही नहीं, मतलब आपके पेन नंबर के है ही नहीं तो इसमें आ गए हो। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हमको बल्क फीडबैक की भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो बल्क फीडबैक पे हम क्लिक करते हैं। बल्क फीडबैक मतलब हम एक से ज्यादा का फीडबैक दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने उस पर क्लिक करा, अब आपका इन्फॉर्मेशन आ गई, उसमें पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, उसमें से बस आप यहाँ पर क्लिक करते जाइए, जैसे ये वाली चाहिए तो इस पे ये, मतलब आप एक साथ उनको क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो आप एक साथ उनको जो जो भी चाहिए वो यहाँ यहाँ क्लिक करते जाइए, उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका नीचे आपको देखिए जो जो आपने सिलेक्ट किए हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आपको चूज फीडबैक टाइप, यहाँ पर आके आपको देखना है कि आपको कौन सा फीडबैक देना है, और देखिए जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे फीडबैक आप कौन कौन सा देख सकते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, ये बल्क वाला बता रही हूँ मैं आपको, इंडिविजुअल एक एक आइटम का भी कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी, ये बल्क में बता रही हूँ। बल्क में करने के बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट कर लेंगे कि इसका क्या है, आपको इन सब में से अब ये इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट है या अगर करेक्ट है तो फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो उसने ले ही रखा है। लेकिन हाँ गलत है, जैसे इनकम इज नॉट टैक्सेबल है तो आप बताएं, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पान या ईयर, इन्फॉर्मेशन कभी कभी क्या होता है कि दूसरे साल की इन्फॉर्मेशन भी आपके इस साल में आ जाती है, तो आप यहाँ ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, यदि डुप्लीकेट है इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन में भी है और इसमें भी है, तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन डिनाइड, यदि आप बोलते हैं कि नहीं इन्फॉर्मेशन हमारी है ही नहीं, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक साथ एक से ज्यादा अगर ट्रांजेक्शन है तो उनका भी आप फीडबैक दे सकते हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि यदि आपको इंडिविजुअल फीडबैक देना है तो कैसे करना है, तो जिस भी ट्रांजेक्शन, अच्छा ये कौन सा कहाँ पे जाना है आपको, जब मैंने बताया था एरो पे क्लिक करना, जैसे सैलरी वाला आया था, सैलरी आपने एरो पे क्लिक किया था तो उसके नीचे सारा आ गया था। अब हमको सिर्फ सब पे नहीं करना है, बल्क में नहीं करना, सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन पे हमको फीडबैक देना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला ट्रांजेक्शन है तो इसके सामने आप इधर की साइड जाएंगे, आप नीचे की साइड जाइएगा और ये जो कर्सर आपको ऐसे मूव करेंगे तो इस साइड जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ऑप्शनल लिखे हुए आपके आ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इस ऑप्शनल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो जिस ट्रांजेक्शन पे आपने ऑप्शनल पर क्लिक किया है वहां पर आपकी डिटेल, उस ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल आ जाएगी कि कब कब उसका टीडीएस हुआ, डिपॉजिट हुआ, सारी डिटेल आ गई। उस पर यहाँ फीडबैक टाइप आ गया है, तो इस फीडबैक टाइप में से आपको क्या करना है वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, बल्क में फीडबैक कैसे देना है और इंडिविजुअल फीडबैक कैसे, ऐसा ही जितनी भी इनकम है, चाहे वो आपके मान लो सेल ऑफ शेयर्स हो या सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो, वो इस तरह से आप फीडबैक दे सकते हैं। बस आपको नीचे की साइड, पहले तो उसको डिटेल में जाना है, डिटेल में जाके आप इधर की साइड जब आएंगे तो आपको ऑप्शनल दिख जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके इस तरह से फीडबैक दे सकते। चलिए अब ये तो हमने देखा टीडीएस टीसीएस का, टीडीएस टीसीएस में कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगे, जो कि जिस पर टीडीएस हुआ है। अब उसके बाद आते एसएफटी इंफॉर्मेशन, इसमें होती है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कोई स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे आएंगे, जैसे कि सेल ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे देखते हैं अपन सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कोई भी सेल आपने किए हैं सिक्योरिटीज या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स की, तो वो यहाँ पे आ गई है, इसकी डिटेल आ गई है, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया, अमाउंट आ गई है। आप चाहें तो अगर आपको इसकी डिटेल देखना है तो वही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। और यदि इसमें आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप ये क्या करेंगे, इधर की साइड जब आएंगे तो आप इधर आके आप उस पर फीडबैक भी दे सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एसएफटी इंफॉर्मेशन के बाद, अच्छा स्पेसिफाइड फाइल, जैसे ये तो खाली शेयर्स का, इसके अलावा आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची होगी तो वो सब भी क्या है यहाँ पे आएंगे, अगर कैश डिपॉजिट ज्यादा किए बैंक में तो भी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको बहुत सारी डिटेल जो है यहाँ पे, बैंक में कैश ज्यादा जमा किया है, कैश विड्रॉल ज्यादा किया है आपने, जो आपकी एफडी वगैरह पे आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, वो सारी डिटेल आपका डिविडेंड वगैरह सब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस में तो आपको क्या है कि जो जो पेमेंट आपने किया है वो आपको टैक्स का जो पेमेंट किया है वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, एडवांस टैक्स, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
उसके बाद आते हैं डिमांड एंड रिफंड। डिमांड एंड रिफंड में यदि पूरे साल में आपको यदि कुछ कुछ भी रिफंड आया है इनकम टैक्स का, तो यहाँ रिफंड में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तारीख को आपको पेमेंट हुआ था रिफंड का, ठीक है। और यदि डिमांड वाले में जाएंगे तो आपको, यदि आपके अगेंस्ट कोई डिमांड निकली हुई इनकम टैक्स में, तो वो भी आपको यहाँ शो होने लग जाएगी। उसके बाद आता है अदर इन्फॉर्मेशन। तो अब हम अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे कि अदर इन्फॉर्मेशन में सैलरी भी आई हुई है, ये डबल आती है। एक तो वहाँ टीडीएस टीसीएस हुआ है, वहां पर एक यहाँ पर एक। अब देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, जो इनकम टैक्स का रिफंड मिला था वो क्या था आपका, उस पर इंटरेस्ट भी मिला था आपको, विद इंटरेस्ट ही इनकम टैक्स का रिफंड आता है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपको पता चल गई कि 761 रुपए का क्या है आपको इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट हमको कहाँ लेना पड़ेगा, हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ये तो पूरा हमने क्या देख लिया, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहे। अच्छा, इनमें आपको डिटेल में जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसकी डिटेल में जाना है तो इस पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आप क्या है पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। और आपको लगता है कि ये ट्रांजेक्शन आपके नहीं है तो आप फीडबैक दे के आप उसको हटवा भी सकते हैं। और इस बेसिस पर आप अपने को जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आप एक एक ट्रांजेक्शन आप चेक कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन छूट तो नहीं गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके बेस पे हमको रिटर्न कैसे फाइल करना है। तो रिटर्न हमको फाइल क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट आया है तो इंटरेस्ट हमारे अदर सोर्स की इनकम है, तो हम क्या करेंगे, ये 761 रुपए का इंटरेस्ट हमको जब रिटर्न फाइल करते हैं तो अदर सोर्स में लेना है। सैलरी की इनकम है हमारी, तो सैलरी की इनकम कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी। ऐसे ही यदि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो वो कैपिटल गेन की इनकम आएगी। मान लीजिए कि अच्छा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी अगर होता है आपका, तो वो भी यहाँ पर आपके जो है इन्फॉर्मेशन में शो होने लग जाते। तो एफडी का इंटरेस्ट है, सारे आपको पता चल जाएंगे कि एफडी का इंटरेस्ट है या सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, तो सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे, उसको अदर सोर्स की इनकम में दिखा दोगे। नहीं तो हो सकता है कि बहुत सारी इनकम क्या होती है, कई बार हम छोड़ देते हैं। तो इससे इसका फायदा यही है कि अब आपसे कोई भी इनकम नहीं छूटेगी। चलिए अब हम देखते हैं, ये तो हमने देखा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, अब देखते हैं टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी क्या होती है। तो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी जो होती है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में हमने अलग अलग देखा, सारे ट्रांजेक्शन देखे। और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में क्या होते हैं कि जितने भी वो ट्रांजेक्शन थे उनकी जो है कैटेगरी बन के आ जाती है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसमें जब हमने क्लिक किया तो सबसे पहले तो जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसके बाद आएगी नीचे टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी। अब जैसे सैलरी इन्फॉर्मेशन कैटेगरी, कैटेगरी मतलब यहाँ पे कैटेगरी बन जाएगी कि अगर सैलरी की इनकम है तो अब मान लीजिए कि आपको तीन एम्प्लॉयर से सैलरी मिली, तो तीनों की यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपको मिल जाएगी कि आपको तीनों का जो बिल्कुल कैटेगरी आ जाएगी, मतलब सैलरी कैटेगरी में आपकी कितनी इनकम है वो यहाँ पर आ जाती है। फिर उसके बाद जैसे अगर आपने कुछ सुधार किया है और क्या प्रोसेस होके वैल्यू आती है, वो प्रोसेस्ड वैल्यू भी यहाँ पर आती है। मतलब टीआईएस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारे रिटर्न फाइल करते हैं। जैसे वहां पे आपने कुछ फीडबैक दिया है वो सही नहीं था, तो बाद में वो करेक्ट होके आती है, तो वो सारी इनकम कहाँ पे दिखेगी आपको, यहाँ पर दिख जाएगी। और यहाँ पे प्रोसेस्ड वैल्यू आती है, वहां पे तो क्या ट्रांजेक्शन की वैल्यू जो रिपोर्ट हुई है वो आती है, और टीआईएस में क्या होगी, जो हम फीडबैक देते हैं और उसके बाद जो उस पर होता है कि सही है गलत है, तो सारे प्रोसेस होके सही वैल्यू जो है आपकी यहाँ पर शो होती है। जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है, सेल ऑफ सिक्योरिटी यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे शो होने लग जाते हैं। इसकी भी अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी डिटेल दिख जाएगी। फ्रेंड्स ये था टीआईएस के टैक्स। अब यहाँ पर क्या होती है कैटेगरी वाइज आ गया है, आप यहाँ से डिटेल भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका रिटर्न फाइल करना और भी आसान हो गया। और ध्यान रखिएगा, कोई भी इनकम यदि आपकी छूट जाती है तो आपको आगे जाके नोटिस आ सकता है, इसलिए हम जैसे फॉर्म 26S चेक करते थे वैसे ही हमको ये भी टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी भी आपको देखना है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पूरा चेक करना है, उसके बाद ही रिटर्न फाइल करना है। एक बात और है कि अगर किसी ने रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दिया, क्योंकि ये लेट आया है तो फाइल कर दिया है, तो 2021 का तो क्या होगा, तो आप उस चाहे तो उस रिटर्न को आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आप उस रिटर्न को अभी भी रिवाइज करने का टाइम 31 मार्च तक आप उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। तो आप कोई भी सुधार करना चाहें तो सुधार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा था टैक्स पेयर टीआईएस और एआईएस से रिलेटेड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।